हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 26 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर मोस्टली न्यूज फ्लड्स के बारे में है। यहाँ पर ये हम लोकेशन डिस्कस करेंगे, इन देमचोक चाइना स्टैंड्स ऑन इंडियन साइड, नो डेट येट फॉर टॉक्स। तो देमचोक कहाँ पर है? द चाइनीज हैव इरेक्टेड टेंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द शार्डिंग नाला इन देमचोक इन ईस्टर्न लद्दाख। देमचोक ईस्टर्न लद्दाख में है, इंडियन साइड पे शार्डिंग नाला के पास पड़ता है। देमचोक हैज सीन फेस ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स अर्लियर टू। तो देमचोक वो जगह रही है जहाँ पे स्टैंड ऑफ देखा गया है इंडिया और चाइना के बीच में। द टू साइड्स हैड एग्रीड दैट देमचोक एंड ट्रिक हाइट्स वर डिस्प्यूटेड पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्यूरिंग मीटिंग्स ऑफ द इंडिया चाइना ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बैक इन द 1990s। तो जब 1990s में इंडिया और चाइना के बीच में जब मीटिंग हुई थी तो ये बात की गई थी जो देमचोक और ट्रेक हाइट्स है वो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स है, जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर। इसके अलावा और भी कुछ लोकेशन है जैसे कि KM-120 इन द गलवान वैली, PP-15 एंड PP-17A इन द शेख सूला एरिया एंड रेचिनला एंड रिजांगला। तो ये सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अब 26 जुलाई को कारगिल डे को कमेमोरेट किया जाता है। उस दिन मतलब हमने विक्ट्री की थी पाकिस्तान के ऊपर 1999 कारगिल वॉर में। तो इस दिन डिस्कशंस होने वाले थे इंडिया और चाइना ने, लेकिन इंडिया ने बोला कि कुछ दिन पोस्टपोन कर देने चाहिए क्योंकि हम विजय दिवस को कमेमोरेट कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। PM as country enters 75th year needs a Bharat Jodo आंदोलन। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला जैसे कि हम अपना 75th इंडिपेंडेंस ईयर मनाने वाले हैं तो अभी कंट्री को ज़रूरत है भारत जोड़ो आंदोलन। तो इसका क्या मतलब है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे आस्क्ड पीपल टू लीड अ भारत जोड़ो आंदोलन, सेइंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू बाइंड द कंट्री दैट इज फिल्ड विद डाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसके बजाय हमें क्या करना है, कंट्री को जोड़ना है। ऑन द ईव ऑफ कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस था 26 को, ही एग्जॉटेड पीपल टू रीड द स्टोरी ऑफ कारगिल एंड सल्यूट द हीरोज ऑफ द वॉर। साथ ही उन्होंने ये बोला कि खादी प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करना चाहिए ताकि वीविंग कम्युनिटी को बेनिफिट हो। इंडिया की जो ओलंपिक में टीम गई है उसको हमें चीयर करना चाहिए। और COVID-19 पैंडेमिक अभी ओवर नहीं हुआ है तो लोगों को अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की ज़रूरत है। तो जैसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था क्विट मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे ही आज शुरू करने की ज़रूरत है भारत जोड़ो आंदोलन। तो इट इज़ आर ड्यूटी टू इंश्योर दैट आर वर्क हेल्प्स क्लोजली नेट बाइंड आर इंडिया विच इज़ फिल्ड विद डाइवर्सिटी, ही सेट एडिंग वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द मंत्रा और नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, अमृत महोत्सव। अब अमृत महोत्सव क्या है? तो ये कोई प्रोग्राम किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, उनका ऐसा कहना है। ये हम एक्चुअली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बो कर रहे हैं। तो अब बो टू आर फ्रीडम फाइटर्स बाई एवरी इंडिपेंडेंट ग्रेटफुल इंडियन जस्ट द वे चैंपियन प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्रीडम हैज जॉइंड हैंड्स फॉर द कॉज। और साथ ही हैंडलूम जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है लैक्स ऑफ व्यूवर्स के लिए। तो अगर हम हैंडलूम का कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो बेसिकली हम किसी की हेल्प ही कर रहे हैं अपने कंट्री में। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक टेंपल की बात की गई है। तो यूनेस्को हैज़ कन्फर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन टू द हिस्टोरिक रुद्रेश्वरा टेंपल। तो रुद्रेश्वरा टेंपल को अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन कन्फर्म कर दिया है उसके ऊपर। रुद्रेश्वरा टेंपल को रमप्पा टेंपल के नाम से भी जानते हैं और ये पलमपेत इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। तो ये तेलंगाना में है। इसको 1213 AD में बनाया गया था, तब रेन थी काकटिया एम्पायर की। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, उनके डिवोटीज को डेडिकेटेड है। इसको रमप्पा टेंपल भी कहते हैं क्योंकि जो स्कल्प्टर जिसने इसे बनाया था उसका नाम रमप्पा था। तो बस आपको ये पता होना चाहिए रुद्रेश्वर टेंपल तेलंगाना में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन का कंफर्मेशन मिल गया और काकटिया रेन के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ये वाला एक्सप्लेन सेशन द कास्ट सेंसस डिबेट, कि जैसे बात की जाती जब भी सेंसस होने वाला होता है कि सेंसस में कास्ट भी होनी चाहिए। जैसे SC ST की कास्ट तो मेंशन की जाती है पर OBC की नहीं की जाती है। तो एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011 हैज़ पब्लिश डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो अभी तक 1951 से जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस हुआ है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के डेटा तो मेंशन किए जाते थे लेकिन बाकी किसी कास्ट के नहीं मेंशन किए जाते थे। उससे पहले 1931 तक जो भी सेंसस होते थे उसमें कास्ट मेंशन की जाती थी, मतलब जब ब्रिटिशर्स कराते थे तो उसमें वो कास्ट मेंशन करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद कास्ट मेंशन होना बंद हो गई थी एक्सेप्ट SC एंड ST। इन द एब्सेंस ऑफ सच अ सेंसस देर इज़ नो प्रॉपर एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ OBCs। तो अब कास्ट सेंसस होता नहीं है तो ये पता नहीं है कि OBC की जो पॉपुलेशन है वो है कितनी, वेरियस ग्रुप्स विद इन द OBCs में जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें कितनी पॉपुलेशन है। मंडल कमीशन ने एस्टिमेट किया था कि जो OBC पॉपुलेशन है वो 52% पे होगी। सम अदर एस्टिमेशन भी किए गए थे NSO द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि कितने हो सकते हैं, मतलब सबका वेरी करता है, कुछ एक फिक्स नहीं है क्योंकि सेंसस में ही ये एन्यूमरेट नहीं हो रहा होता है। अब UPA इस बात पे कहाँ स्टैंड करती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए।
जब होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बहुत सारे वेक्स्ड क्वेश्चंस की बात की थी, मतलब जिसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है। एक सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, एक स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट है ओबीसी की, कुछ स्टेट्स के पास लिस्ट ही नहीं है ओबीसी की, कुछ स्टेट के पास लिस्ट है ओबीसी की और कोई सबसेट भी है उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है। तो रजिस्ट्रार जनरल ने बोला था ये बहुत ओपन एंडेड कैटेगरीज हैं, नेम्स ऑफ सच कास्ट आर फाउंड इन बोथ, और कुछ कास्ट ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं और ओबीसीज में भी आते हैं। शेड्यूल कास्ट जो कुछ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स, मतलब कहीं उन्हें एससी में माना जाएगा कहीं नहीं माना जाएगा। द स्टेटस ऑफ अ माइग्रेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज इन टर्म्स ऑफ कास्ट क्लासिफिकेशन आर ऑल्सो वेक्स्ड क्वेश्चंस। तो अगर एक माइग्रेंट एक से दूसरे स्टेट में जाता तो उनके बच्चों का क्या, अगर उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो क्या कास्ट रहेगा। तो इसमें हर जगह थोड़े फॉल्ट्स हैं, सबका क्लियर नहीं है, एक सेम नहीं है। तो इसलिए फिर एक बार बात हुई थी कि ऐसे कास्ट सेंसस करना चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट एग्री हुई थी और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सबकी डिटेल्स लिखी गई थी, क्या कास्ट है उस बारे में लिखा गया था। जो SECC था वो कंडक्ट कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रूरल एरियाज में और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इन अर्बन एरियाज में। तो SEC डेटा एक्सक्लूडिंग कास्ट डेटा वॉज फाइनलाइज, जो SEC डेटा जब फाइनलाइज हुआ तो उसमें कास्ट हटा ही दी गई, और जब पब्लिश किया गया जो भी मिनिस्ट्रीज के द्वारा तो उसमें कास्ट दिखाई ही नहीं गई। अब वॉट इज़ द कंट्री रिव्यू, अब जो RSS है वो ये कहती है कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर ने ये बोला था कि कास्टलेस सोसाइटी को एनविसाज किया था, अगर हम ऐसे कास्ट बेस्ड सेंसस करने लगेंगे तो जो भी हम हारमोनी क्रिएट करने की कोशिश करें उसमें वापस से फॉल्ट लाइन्स डेवलप हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंसस जो होता है उसमें OBC की कास्ट नहीं मेंशन की जाती है, सिर्फ SC ST की जाती है। तो इस बारे में बार बार डिमांड उठती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। एक बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ लेकिन उसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया। अब नेक्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डुविंडलिंग इन कच्छ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इंडिया में चार तरीके के बस्टर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दूसरे मैक क्वींस बस्टर्ड है, तीसरा लेसर फ्लोरिकन और चौथा बंगाल फ्लोरिकन। जो GIB की हिस्टोरिकल रेंज है वो काफ़ी थी सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन अब सिर्फ वो 10% जगह पर ही अपने हैबिटेट में रह गए। हैवीएस्ट बर्ड्स ऑफ फ्लाइट है, ज़्यादातर ये अपने हैबिटेट ग्रासलैंड को प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर ये अपना टाइम ग्राउंड पे ही निकालते हैं, ओकेजनली एक हैबिटेट से बस दूसरे हैबिटेट तक ही फ्लाई करते हैं, वरना ग्राउंड पर ही रहते हैं। इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, ग्रास सीड्स, इन सब पे फीड करते हैं। GIB की पॉपुलेशन ये बताती है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम ड्विंडल हो रहे होंगे तो वहाँ पर GIB की पॉपुलेशन भी कम होती चली जाएगी। अब एक्सटेंशन थ्रेट तो है, अब सेंटर ने लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को ये बताया था जो GIB पॉपुलेशन इंडिया में वो सिर्फ 150 रह गई, जिसमें से 128 राजस्थान में, 10 कच्छ में और कुछ महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटक और कुछ आंध्र प्रदेश, और कुछ GIBs पाकिस्तान में भी मिलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग GIBs हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि सबसे ज़्यादा इनको जो थ्रेट रहता है वो ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन से रहता है, क्योंकि ये इतनी तेज़ फ्लाइट नहीं ले पाती हैं, जैसे करंट फ्लो होता है इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत मैनेवर हो और फट से फ्लाइट लेने, ऐसा नहीं होता इनके साथ। तो WIA रिसर्च हैज़ फाउंड दैट इन राजस्थान 18 GIBs डाई एवरी ईयर आफ्टर कोलाइडिंग विद पावर लाइन्स। तो अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लगभग 18 GIBs हर साल मर जाते हैं पावर लाइन से कोलाइड करके। एज देयर हैम्पर्ड बाई पुअर फ्रंटल विजन, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विजन उतनी अच्छी नहीं होती और उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके कारण वो क्विक एंड फ्लाइट नहीं ले पाते। कच्छ एंड थार डेजर्ट हैव विटनेस द क्रिएशन ऑफ ह्यूज रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो कच्छ और थार है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो पावर लाइन्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं जहाँ पर GIB रहते हैं, तो उन पावर लाइन्स की वजह से इनकी ज़्यादातर डेथ देखने को मिल रही है। KBS हैज़ रिकॉर्डेड डेथ ऑफ 2 GIBs आफ्टर हिटिंग पावर लाइन्स। चेंजेस इन लैंड, अब 10 थे तो वहाँ पे अभी 2 तो GIBs पावर लाइन्स की वजह से मर गए, तो अपने आप ही इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था अप्रैल में कि अंडरग्राउंड कर देनी चाहिए जो भी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन से GIB हैबिटेट जहां पर भी राजस्थान गुजरात में, तो वहां पर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स को अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। 2015 में सेंटर ने लॉन्च किया था GIB स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें WII और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया था, जिसमें जो GIB एग्स हैं उनको इंक्यूबेट किया जाएगा आर्टिफिशियली और उससे वापस उनको ब्रीड किया जाएगा ताकि उनकी पॉपुलेशन वापस से बढ़ाई जा सके। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कारगिल दिवस के बारे में, ये प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में है कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे अ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशन, अब यूरोपियन यूनियन एक नया लेजिस्लेशन लेकर आ रहा है फिट फॉर 55 का मतलब ये है कि 2030 तक यूरोपियन यूनियन अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन 55% तक कम कर देगा और नेट जीरो कर देगा 2050 तक।
साथ ही ये लोग एक पॉलिसी भी लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये इसके अंदर ही है। अब ईयू के पास कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2005 से ही है, जिसमें कोई भी कंपनी अगर 50 मतलब एक टन ऑफ कार्बन निकालती है तो उसे 50 यूरोस प्राइस पे करना पड़ता है। अब फिट फॉर 55 लाने के बाद ये वाला जो इनके पास कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें ये और भी सेक्टर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईयूज कार्बन प्राइस इज लाइकली टू गो अप एज अ रिजल्ट। अब क्या होगा जब ईयू ने ये चीज़ शुरू कर दी है कि आप जितना कार्बन एमिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतने यूरोस पे करने पड़ेंगे, तो इससे उनके जो डोमेस्टिक गुड्स है वो तो महंगे दिखेंगे और जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स आएंगे फिर वो सस्ते दिखेंगे तो लोग इंपोर्टेड गुड्स खरीदने लगेंगे। तो इसके लिए उन्होंने शुरू किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कि वो जिस कंट्री से आ रहा है और उस कंट्री ने जितना भी कार्बन एमिट किया होगा उसको बनाने में तो उतना उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो द ईयूज कार्बन पॉलिसी इज लाइकली टू गो अप एज अ रिजल्ट मेकिंग इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव देन इंपोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। द न्यू CBAM इज मेंट टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। अब ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म उसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। CBAM विल रिक्वायर फॉरन प्रोड्यूसर्स टू पे फॉर द कार्बन एमिटेड। अब CBAM के तहत जो फॉरन प्रोड्यूसर्स होंगे उनको पे करना पड़ेगा जब भी उन्होंने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया होगा जितना भी कार्बन एमिट किया होगा। एडिंग द प्राइस ऑफ कार्बन, अब जैसे प्राइस ऑफ जब कार्बन का ऐड हो जाएगा तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो कंज्यूमर्स अपने आप ही डिस्करेज हो जाएंगे उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए जो कि कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे। और इससे क्या होगा, जो कंपनीज होंगी वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगी। द एडजस्टमेंट विल बी अप्लाई टू एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली ट्रेडेड बाय ईयू। अब इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है क्योंकि इंडिया जो ईयू के साथ ट्रेड करता है वो लगभग $74 बिलियन का करता है। द CBAM विल अनडाउटेडली बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू एडमिनिस्टर, द एडजस्टमेंट रेट विल वेरी बाई कंट्री एंड प्रोडक्ट, तो ये तो दिक्कत आने ही वाली है। अब वॉट शुड इंडियन इंडस्ट्री डू टू प्रिपेयर इट इंटरिम, तो अब इंडियन इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए। सबसे पहले इंडिया को क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो भी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे यूरोपियन इंडस्ट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूरोपियन यूनियन में सेमी फिनिश्ड और फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, बट सच पार्टनरशिप कैन हेल्प इनहेंस द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इट्स हाई टेक्नोलॉजी स्टेनलेस और एलॉय प्रोडक्ट। सेकंड, इंडियन कंपनी शुड इन्वेस्ट इन मोर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडियन कंपनीज को जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी एफिशिएंसी में। इसके अलावा हम साइंस बेस्ड टारगेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारा एमिशन रिडक्शन कम हो, ताकि हमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हमारे ऊपर कम फीस लगे। साथ ही द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम टू मोर इंडस्ट्री। अब जो परफॉर्म अचीव ट्रेड जो गवर्नमेंट ने शुरू की थी वो और भी ज़्यादा सेक्टर्स को उसके अंदर ला सकती है, MSMEs को बोल सकती है कि आप क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर जाओ। WRI India's analysis shows that कार्बन डाइऑक्साइड emissions from the iron and steel industry can be reduced. अब WRI के analysis से भी माने तो जो iron और steel industry से emission होता है उसको 400 tons कम किया जा सकता, मतलब 900 million tons से 500 million tons लाया जा सकता 2035 तक, अगर ज़्यादा electrification हो, green hydrogen use करे, energy efficiency use करे और material efficiency use करे। Third, India सिर्फ European Union में ही नहीं अपने exports को diversify करे। For instance, it could increase its market share of crude steel. अब जैसे क्रूड स्टील है वो ज़्यादा एमिशन इंटेंसिव प्रोड्यूसर्स जैसे चाइना, रशिया, यूक्रेन, इनको भी बेच सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा टफ नॉर्म्स आने वाले हैं फिट फॉर 55 के बाद। आगे चलते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी सिटीजन को कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई है। तो जैसे ऑथर ने कुछ फैक्ट्स बताए, द टिपिकल इंडियन वर्कर 1983 में उसके पास लगभग 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होते थे। अगर रूरल और अर्बन को देखें तो नंबर रूरल एरिया में और ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है। एवरेज रूरल वर्कर अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन में वो ये लिखता था कि सिर्फ उसने 2 साल की एजुकेशन ली है, और अर्बन वर्कर ये बोलता था कि उसने कुछ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ली है। आई एम नॉट श्योर इफ देर इज सम डैमनिंग समरी देन दिस एजुकेशन स्टैटिस्टिक ऑफ द सिंगुलर इनकैपेसिटी ऑफ द इंडियन स्टेट। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम से कम कि एजुकेशन तो डिलीवर करवाए ताकि उसकी जो वर्कफोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स में कुछ यूजफुल हो, इकोनॉमी में कुछ यूजफुल हो, लेकिन हम देख रहे हैं जो इंडिया में है वो एजुकेशन तक डिलीवर नहीं हुई है लोगों को। तो आफ्टर ऑल एक्सेस टू एजुकेशन इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेशन दी जाए ताकि वो वर्कफोर्स के एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाएँ। द एजुकेशन सिचुएशन बिगिन टू इम्प्रूव। अब एजुकेशन सिचुएशन जो ही थी ये 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स लिए गए LPG के, उसके बाद ये सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है। बाई 2012 तो एवरेज अर्बन वर्कर उसके पास लगभग सेकेंडरी एजुकेशन तो होती है, और उसके रूरल काउंटर पार्ट के पास लगभग मिडिल स्कूल तक एजुकेशन तो होती है। क्रूशली ये जो लार्ज पार्ट, ये जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये प्राइवेट सेक्टर को इसका श्रेय जाता है, विच टुडे अकाउंट फॉर 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड 1/3 ऑफ ऑल स्कूल्स। तो मतलब ऑथर ने ये बोला जब से हमने अपनी इकॉनमी को ओपन किया तब से एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट आया। दूसरी बात, हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। एज लेटेस्ट 2020 देर वर 5 हॉस्पिटल्स बेड्स पर 10,000 इंडियंस, और अगर हम डॉक्टर्स देखें तो डॉक्टर्स भी हमारे 9 डॉक्टर्स पर 10,000 इंडियंस। अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो पाकिस्तान है उसके पास 10 डॉक्टर्स पर 10,000 इंडियंस, और श्रीलंका के पास भी 10 है, और ब्राज़ील के पास 22 और चाइना के पास 20 हैं।
तो इंडिया फिर कोप अप कैसे करता है इतना खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? तो जो इंडिया में जो अर्बन एरियाज हैं वो तो प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क का यूज़ करते हैं, 62% ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क हमारे यहाँ 62% ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब यहाँ पर हेल्थ में भी जो सही है काम वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है। तो अर्बन पुअर एंड रूरल इंडस्ट्रीज, तो अब जो रूरल लोग हैं उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं है कि वो प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टैप कर पाएँ, तो उन्हें वही पब्लिक फंडेड हेल्थ सिस्टम में जाना पड़ता है जहाँ पर कोई फैसिलिटीज तक नहीं होती हैं। तीसरा ऑथर ने बोला जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ है वो हमेशा बैंक्रप्सी पर रहती है। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या करता है, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है। द स्टेट ऑफ डिसरिपेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज वेल नोन। इसके अलावा हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी पता है कि कितना ज़्यादा NPAs होते हैं, तो NPAs ऑफ दीज एंटिटीज ऑफ रूटीनली एक्सीडेड 10% से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर की सारी चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। अभी जैसे GST नेटवर्क सिस्टम लेकर आए, तो GST नेटवर्क सिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ द मच डाउटेड GST नेटवर्क कंटिन्यू टू हैमस्ट्रिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी 5 years आफ्टर इट वॉज इंट्रोड्यूस। द स्टेट रिस्पॉन्स टू इट्स ओन फेलियर टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज ऑन स्कूलिंग और हेल्थ इज टू मैंडेट द प्राइवेट सेक्टर। अब स्टेट ने तो फेल कर दिया स्कूलिंग प्रोवाइड करने में, हेल्थ प्रोवाइड करने में। इलेक्शन में जैसे मैनिफेस्टोज में कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म होता है कि वोटर्स को ऐसे बहुत सारी योजना बताई जाती है, हम ये योजना लाएंगे वो योजना लाएंगे। बजट प्रेजेंटेशन आर फॉलोड विद ब्रेथलेस फॉरवर्ड एज सिटीजंस ट्राई टू डिसाइफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम। दोज रिफॉर्म्स एसेंशियली, अब जो 1991 रिफॉर्म्स किए गए हैं उसके बाद इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया, जैसे कि GDP ग्रोथ डबल हो गई थी और लगभग 200 मिलियन पीपल पॉवर्टी से बाहर आए थे। दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंटरप्राइज बींग अनलीस्ड। तो ऑथर ने बोला ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ कि हमारी GDP ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी और इतने सारे लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल पाए हैं। द गवर्नमेंट इज़ बिजी रेजिंग बैरियर्स। अब गवर्नमेंट वापस से क्या कर रही है, गवर्नमेंट जैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर लगाने लग रही है। तो द गवर्नमेंट इज बिजी रेजिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड अंडर द गाइज ऑफ एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहते हैं तो इसीलिए इंटरनेशनल बैरियर लगा रहे हैं। कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग दैट इज वॉट गॉट अस इनटू द 1991 मेस टू स्टार्ट विद। देर इज सर्टेनली अ रोल फॉर द गवर्नमेंट। अब ऑथर ने बोला गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना है कि वो सेफ्टी, सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करे हेल्थ और लेबर मार्केट में। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट जनरेट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरवीनिंग थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज इन सम मार्केट्स प्रोन टू मार्केट फेलियर्स। तो ऑथर ने यही बोला है कि अब जरूरत है कि इंडियन वोटर ये डिमांड करे कि जो इंडियन स्टेट और जो बाबूज हैं वो इकोनॉमिक लाइफ से थोड़ा पीछे हटे और प्राइवेट सेक्टर को आने दें। लेबर, लैंड एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हैव टू बिकम डिमांड। तो अब उन्होंने ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है पब्लिक सेक्टर का, और लैंड, लेबर, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब आगे चलते हैं, ये ऑथर ने बोला कि सार की क्या इंपॉर्टेंस है। साउथ एशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली वॉच रीजन। द रीजन इज बीसेट विद अनसेटल्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। अब तो जो साउथ एशिया के मेंबर्स उनमें आपस में बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता रहता है। ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल और सबवर्सिव एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ही देख लो। इसके अलावा एथनिक, कल्चरल और रिलीजियस टेंशन भी बहुत ज़्यादा हैं साउथ एशिया रीजन में। अ करेंट राइज इन अल्ट्रा नेशनलिज्म इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्लडी हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड इंटर स्टेट वॉर्स एंड मराइड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इंडिया पाकिस्तान हमेशा लॉगर हेड्स में रहते हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड है दोनों के पास, न्यूक्लियर आर्म्स, उसके बाद भी हमेशा लॉगर हेड्स में रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के रीजन में, जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। अभी सिचुएशन जो अफगानिस्तान है सार्क का मेंबर, तो अफगानिस्तान में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होगी क्योंकि ये डर है कि वहाँ पर कहीं तालिबान वापस से ना आ जाए। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला जो सार का रोल है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीजनलिज्म कैन बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टू प्रोड्यूस अ कॉमन रिजॉल्व टू नेविगेट कॉमन चैलेंजेस। तो जो रीजनलिज्म है उसके थ्रू हम एक कॉमन चैलेंजेस का एक हम कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 1985 में जब कोल्ड वॉर की हाइट चल रही थी, तो साउथ एशियन नेशंस के लीडर जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एक रीजनल फोरम बनाई जिसका नाम रखा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कि हम एक म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एप्रेहेंशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम की समझकर हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। अफगानिस्तान को बाद में इसका मेंबर 2007 में बना लिया गया। 18 समिट जब से हुई है साउथ एशियन नेशन की, उसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन डॉर्मेंट पड़ी है, कुछ इसमें नहीं देखा गया। अब जो थर्ड सार्क समिट हुई थी 1987 में, तो वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था अ रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। तो एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था जिससे ये पता चलता है ये जो रीजन ये चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर टेरर जाए और पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आए। एज द लार्जेस्ट रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सार्क इंपॉर्टेंस इन स्टेबिलाइजिंग एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेल्फ एविडेंट। तो सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सार्क का सही से यूज़ किया जाए। जैसे कि जब COVID-19 आई तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सार्क की मीटिंग बुला ली और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की कि कैसे हमें पैंडेमिक से डील करना है। तो एक सार्क जैसा ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे जल्दी से जो साउथ एशियन नेबर्स हैं
उनसे आपस में वीडियो कॉल की गई। इन 36 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस द सार्क हैज डेवलप्ड अ डेंस नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अब 36 साल हो गए सार्क को बने हुए और इन 36 ईयर्स में जो इंस्टीट्यूशंस का बहुत अच्छा नेटवर्क बना दिया गया, लिंकेजेस बहुत अच्छे हो गए, मैकेनिज्म्स बहुत अच्छा हो गया। सार्क मेंबर्स आर अमंग द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में जो फोर्सेस जाते हैं तो उसमें सार्क मेंबर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं। विद द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, तो अब यूएस ने विड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान में, तो वहां पर जो वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहां पर जरूरत है कि सार्क रीजन से कुछ ज्वाइंट पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए अंडर द यूएन एजिस, ताकि वहां पर जो तालिबान टेक ओवर कर रहा है उसको बचाया जा सके। फ्रॉम द सार्क रीजन अंडर द यूएन एजिस कुड बी एक्सप्लोर टू फिल द पावर वैक्यूम दैट वुड अदरवाइज बी फिल्ड बाई टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज। तो जब तक हम ये जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर नहीं भेजेंगे तो क्या होगा कि टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उस वैक्यूम को फिल कर लेंगे जो कि यूएस ने वॉइड क्रिएट कर दिया। अब ऑथर ने बोला जैसे फ्रांस और जर्मनी साथ में आके यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, तो इंडिया और चाइना भी तो साथ में आके सार्क में अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी भी एक टाइम में आर्च राइवल थे। अब ये जो है तो मनोज कुमार झा की आपने राज्यसभा में स्पीच सुनी होगी, ये सिर्फ वही है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को डाउनग्रेड करने की बात कर रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ का स्टेटस हम डाउनग्रेड करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ऑन फ्राइडे गार्नर्ड इनफ इंटरनेशनल सपोर्ट टू डिफर एन अटेम्प्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू डाउनग्रेड द ग्रेट बैरियर रीफ्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। अब उसका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस डाउनग्रेड करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ गया। यूनेस्को हैड रिकमेंडेड दैट इट्स वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। तो अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज की डेंजर लिस्ट में डाला जा रहा है क्योंकि ओशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पे कोरल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया इसके अभी अगेंस्ट है। यूएस सेट टू अनाउंस इराक टू विड्रॉ डाउन। इराक प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग टू वॉशिंगटन दिस वीकेंड टू डिमांड दैट प्रेसिडेंट जो बाइडन विड्रॉल। अब इराक के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो अपने यूएस के जो भी कॉम्बैट ट्रूप्स हैं वो इराक से यहाँ से ले जाएं। तो यूएस ऑफिशियल्स ने भी बोला ठीक है हम जो ऑब्लाइज करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट की है इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल खदीमी ने कि वो चाहते हैं कि यूएस के कॉम्बैट फोर्सेज यहाँ से चले जाएं, ठीक है हम यहाँ से बाहर निकालें अपने फोर्सेज को। पेंटागन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सेड दे विल अचीव दिस बाय रिमूविंग अ स्मॉल बट अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ द 2500 यूएस फोर्सेस। तो वहाँ पर देखिए तो जो कॉम्बैट फोर्सेज हैं वो लगभग 2500 ही हैं जिसको यूएस अब बाहर निकालेगा इन इराक एंड बाय रीक्लासिफाइंग ऑन पेपर द रोल्स ऑफ अदर फोर्सेज। और जो बाकी अदर फोर्सेज उनका जो रोल है वो रीक्लासिफाई कर दिया जाएगा जैसे वो कॉम्बैट फोर्सेज नहीं होंगी। तो देर विल बी नो यूएस मिलिट्री फोर्सेज ऑन कॉम्बैट रोल बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो अब एंड ऑफ द ईयर तक यूएस की कोई भी मिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर नहीं रहेंगी। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रैपलिंग विद हाउ टू ऑपरेट इन अ कंट्री दैट सिंस द यूएस इन्वेजन 18 ईयर्स। अब 18 साल पहले यूएस ने इन्वेट किया था, उसके बाद भी जो कंट्री इराक वो धीरे धीरे ईरान बैक मिलिशियाज के ग्रिप में जाता जा रहा था और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो गया था जिससे इराक की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी कोलैप्स पर आ गए थे। अल खदीमीज गवर्नमेंट अलॉन्ग विद मैनी अदर सीनियर इराकी मिलिट्री ऑफिशियल्स क्वाइटली फेवर दैट रफली 2500 यूएस ट्रूप्स। अब जो इराक की गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि यूएस ट्रूप्स वहाँ से जाएँ, तो वो चाहते हैं कि यूएस ट्रूप्स वहाँ पर रहे। लेकिन जब जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ हो गई थी जो कि ईरान के टॉप सिक्योरिटी कमांडर थे, वो भी इराक में डेथ हो गई थी, तो बहुत डिमांड आने लगी कि यूएस के ट्रूप्स को यहाँ से निकालो। तो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स बिल्ड हो गए थे, तो अब वहाँ पर जिसको भी पावर में रहना है तो लोगों की बात तो माननी है, इसलिए वहाँ से यूएस के ट्रूप्स को बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोला कि अलॉन्ग विद सीनियर इराकी सिक्योरिटी ऑफिशियल एंड 8 अदर्स इन अ यूएस ड्रोन स्ट्राइक इन 2020। तो 2020 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें ईरान के जो टॉप सिक्योरिटी कमांडर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से पार्लियामेंट डिमांडिंग द गवर्नमेंट एक्सपेल यूएस फोर्सेस। तो पार्लियामेंट वहाँ पर डिमांड करी कि यूएस फोर्सेस को एक्सपेल किया जाए। ये मोशन तो नॉन बाइंडिंग है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है किसी भी पॉलिटिशियन को कि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको यहाँ से यूएस के कॉम्बैट फोर्सेस को बाहर निकालना ही पड़ेगा। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है यूके मिलिट्री फेलिंग टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम अब्यूज। तो अराउंड 2/3 ऑफ द फीमेल वेटरन्स इन द ब्रिटिश आर्म फोर्सेज हैव एक्सपीरियंस बुलिंग हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन द करियर्स। तो यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है यूके में जिसमें ये पता चला है लगभग 2/3 जो फीमेल वेटरन्स है ब्रिटिश आर्म फोर्सेज में उन्होंने अपनी लाइफ में करियर में बुलिंग हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया ही है। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट वीमेन हु रिपोर्टेड सीरियस सेक्शुअल ऑफेंसेज आर डिनाइड जस्टिस। और इसके अलावा जिन्होंने रिपोर्ट भी की थी कि उनको ये दिक्कत है अपने करियर में, तो जो वहाँ की मिलिट्री कोर्ट है उन्होंने अच्छे से कंप्लेंट प्रोसेस को नहीं देखा। पार्लियामेंट्स डिफेंस कमेटी फाउंड दैट 64% ऑफ द फीमेल वेटरन्स और 58% ऑफ द सर्विंग वीमेन सेड दे हैव एक्सपीरियंस बुलिंग हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो लगभग 64% फीमेल वेटरन्स और 58% सर्विंग वीमेन ने यह बोला है कि उन्होंने बुलिंग और हैरेसमेंट फेस किया है आर्मी में। द कमिटी हर्ट
अकाउंट्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एक्सपीरियंस बाई सर्विस वुमेन इंक्लूडिंग गैंगरेप, तो गैंगरेप, बुलिंग फॉर रिफ्यूजल, सेक्शुअल एडवांसेस, तो इन सब में ये देखा गया। तो अब क्या रिपोर्ट के बाद अथॉरिटीज़ ने ये बोला है जो रेप और सेक्शुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन कोर्ट सिस्टम में भेज दी जाएंगी क्योंकि मिलिट्री कोर्ट इन्हें सही से डिस्पोज नहीं कर रही है। साथ ही एक न्यू डिफेंस अथॉरिटी बनाई जाएगी तो इन सारी प्रॉब्लम से डील करे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये न्यूज़ है कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम उसमें हाइक देखा जा सकता है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्लेम्स देने पड़े जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट विच विटनेस्ड अ 30.9% जंप इन द जून क्वार्टर एंड टर्म कवर प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर लाइकली टू विटनेस एन स्पाइक देखने को मिल सकती है प्रीमियम में क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार लॉसेस देखने को मिले, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।